नमस्कार, मैं हूं संतोष और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं पूर्वी चंपारण जिला के मोतिहारी अनुमंडल अंतर्गत सिसवा पंचायत में। वहीं सिसवा पंचायत जहां पे ब्रेडा एजेंसी के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्राम सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का इंस्टॉलेशन किया गया है, आज शाम के वक्त मैं यहाँ पहुंचा हूँ। कुछ ही देर में सभी सोलर स्ट्रीट लाइट जलने वाली है, तो मैं आप सभी को लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाने वाला हूँ और बहुत कुछ जानकारियां भी देने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पे, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलती रहे। दोस्तों, ब्रेडा एजेंसी के द्वारा जो सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए गए हैं, इसकी आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। यह जितना भी लाइट लगा है सबकी ऑनलाइन निगरानी की जा रही है। ब्रेडा एजेंसी के द्वारा यह बताया गया है कि प्रत्येक पोल पर यूनिक कोड दर्शाया गया है और उसी यूनिक कोड के द्वारा उस लाइट की ऑनलाइन निगरानी की जा रही है। जो भी लाइट खराब होगा उसे तुरंत पता चल जाएगा और उसे तुरंत ठीक भी कर दिया जाएगा, लेकिन ब्रेडा एजेंसी का यह दावा फेल हो चुका है। महज 2 से 3 माह के अंदर बहुत सारी सोलर स्ट्रीट लाइट खराब हो चुकी है और उसे अभी तक ठीक भी नहीं किया गया है। 5 से 10 दिन हो चुके हैं और अभी तक खराब सोलर स्ट्रीट लाइट को ठीक नहीं किया गया है। इसके लिए न मुखिया जिम्मेवार है और न वार्ड सदस्य, क्योंकि इसमें पंचायत प्रतिनिधियों को उतना ही काम मिला था। उनको सिर्फ जगह चिन्हित कर देना था जहां सोलर स्ट्रीट लाइट लगाना था, उसके बाद ब्रेडा एजेंसी के माध्यम से वहां स्ट्रीट लाइट लगाया गया। अब जब लाइट खराब हो रही है तो समय पर ठीक नहीं किया जा रहा है। इसके लिए ब्रेडा एजेंसी अधिकारियों का कोई संपर्क नंबर भी मुहैया नहीं किया गया है, ताकि पंचायत प्रतिनिधि या गांव के लोग फोन करके लाइट खराब होने की शिकायत कर सके। अगर आप ब्रेडा एजेंसी के माध्यम से कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ जूनियर इंजीनियर और डायरेक्टर का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप नंबर लेकर फोन कॉल पर बात कर सकते हैं। बिहार का पहला पंचायत जहां सोलर स्ट्रीट लाइट योजना पर कार्य किया गया और वहां जब लाइट खराब होने की शिकायत आने लगी तो उसे समय पर ठीक नहीं किया गया। तो आप समझ सकते हैं बिहार के 8067 पंचायतों में जब यह लाइट लग जाएगी और इस तरह की समस्याएं आने लगी तो ब्रेडा उसे कैसे ठीक करेगी। 13 नंबर वार्ड में है, 5 दिन से खराब है, कोई पदाधिकारी नहीं आया, ना कोई मिस्त्री आया, इसे देखने के लिए कोई नहीं आया। 5 दिन से खराब है, सिर्फ चार्ज होता है, जलता नहीं है। ये जो लाइट है कितना दिन से खराब है? बहुत 4-5 दिन जोर जी, बस बात से दूर है। मिस्त्री नहीं आया बनाने के लिए? मेन बात वजह क्यों कहनी हार ना भोल। ये जो लाइट है कितना दिन से खराब है? 2 हफ्ता से। 2 हफ्ता से खराब है, कोई बनाने के लिए नहीं आया? कोई नहीं आया। अच्छा, आप लोगों को कोई नंबर वगैरह दिया गया है जहां से आप फोन करके कंप्लेन कर सकते हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं है। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और मुख्यमंत्री ग्राम सोलर स्ट्रीट लाइट योजना को लेकर आपके मन में कोई विचार हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। और भी बहुत सारी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।